क्या कर रहे हैं हमारे सियासतदान, घन चक्कर बना हुआ है हर एक नौजवान, ना समझी ऐसी कि गधा हो इंसान, फेल हो जाता है इलेक्शन का प्लान, जब नजर आता है करप्शन का सामान, अब आगे क्या होगा, कौन बनेगा सुल्तान, जवाब के लिए बुलाए हैं आज मेहमान प्रोग्राम आज किरण खान ने। हमारे साथ जो सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं सहाफी एंकर पर्सन, इनके प्रोग्राम आप देखते होंगे न्यूज़ जेड ए मलिक के साथ, और इसी के साथ साथ जर्नलिस्ट फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं जेड ए मलिक साहब, मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयाज अवान साहब जो कि तजियाकार हैं और आज के हमारे इस टॉपिक पे जो है खास गहरी नज़र भी रखते हैं और इसका जवाब भी हमें देंगे, मैं आपको भी वेलकम करती हूँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे जेड ए मलिक साहब से। जी जेड ए मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पाकिस्तानी सियासत का ऊँट किस करवट बैठता आपको नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? अभी ये ऊंट जो है वो किसी करवट बैठता हुआ नजर इस वजह से नहीं आ रहा है कि अभी जो है सब मखमसे का शिकार हैं, सब सोच रहे हैं, हर एक का तजिया मुख्तलिफ है और सूरत हाल बड़ी दगड़दू है। ये इसके लिए कुछ टाइम और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि प्रेडिक्शन की जाए और अगर आप ये कहती हैं कि हम किसको स्ट्रांग देख रहे हैं, तो इस वक्त जो नज़रिया सबसे स्ट्रांग जा रहा है वो एक मखलूत हुकूमत का है। इस वक्त कोई भी पार्टी जो है वो मजबूत सिचुएशन में नज़र नहीं आ रही है। यानी आप समझते हैं कि कोई भी पार्टी इस वक्त इस पोजीशन पे नहीं है कि आगे बताया जा सके कि कौन इक्तदार में आएगा। हमें इक्तदार के हवाले से तो शायद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन सिर्फ मसला इक्तदार में आने का नहीं होता जी। मसला ये होता है कि इक्तदार में ताकत के साथ आया जाए। जब आप इक्तदार में बैठे और अपनी मर्जी की चीज़ें तब्दील कर सकें, इस्लाहात ला सकें, चीज़ें कर सकें, लेकिन जब आप एक मखलूत हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें हमेशा ये होता है कि आपको कुछ चीज़ें मनवाने के लिए कुछ चीज़ें माननी पड़ती हैं और अभी भी सूरत हाल ऐसी नजर आ रही है। नहीं, पाकिस्तान की अगर सियासत की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो अब तक जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मानी हैं, IMF से कर्जे लिए, उन कर्ज़ों को पे किया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, यानी कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो और चीजें मानेगी और तो फिर मुल्क कैसे बेहतर होगा, इसमें बेहतरी कैसे लाई जाएगी? आप एक बात बड़ी जबरदस्त भी है, बिल्कुल आप ठीक भी कह रही हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो चीजें मानती है। मैंने भी इसी तरफ किया था कि कुछ चीजें माननी पड़ेंगी क्योंकि सूरत हाल खराब है। सूरत हाल को आप खराब की तरफ से बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अगर आपके लिए गोल है और आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो फिर आपको चीजें जो है वो वक्त के साथ बेहतर करनी पड़ेंगी। ये नहीं होगा कि कोई आए और रातों रात कुछ तब्दीली ले आए या रातों रात कुछ चीज़ें हो जाए। लाजमी बात है जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले भी ये बात की है कि देखना ये होगा कि उसको हुकूमत कितनी ताकत के साथ मिलती है। जी बिल्कुल, अयाज साहब आप क्या कहना चाहेंगे मुल्क की सूरत हाल के हवाले से? जी देखें, किरण खान की ये निगरान हुकूमत है और इसमें लोगों जो इलेक्शन के वजह से लोग पुरजोश हैं और उनका जोश जज्बा जो है बहुत अच्छा है। देखें अब कौन सी हुकूमत आती है, कौन सी हुकूमत सेलेक्ट होती है, लेकिन लोग पुरजोश नज़र आ रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी हुकूमत आएगी बेहतर होगी और उसमें बेहतरी नज़र आएगी और मुल्की मफादात में होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मलिक साहब मैं आपको दोबारा वहीं से कंटिन्यू करूँगी। आपने बात की थी कि कुछ चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ टाइम टेकिंग होती हैं, टाइम लेती हैं, लेकिन आप एक और चीज़ देखें ना कि हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके 5 साल जो है पूरे ही नहीं होते, बहुत कम है, एक दो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनकी पूरी हुए, 5 साल पूरे हुए, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो आती हैं हुकूमत उनकी आती है लेकिन उनके 5 साल पूरे नहीं होते। तो कम टाइम में जो है लोगों को रिलीफ देना, लोगों की मसाइल को हल करना, इस हवाले से क्या? बहुत बड़ी बात की तरफ आपने निशानदेही की है और इस बात को थोड़ा सा इस तरह भी मुकम्मल किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो जिन गवर्नमेंट्स ने अपना टाइम पूरे भी किया उनके वज़ीर आज़म टाइम पूरा नहीं कर सके। यानी आज तक पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ही ऐसे हुए कि कभी भी कोई वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका और अवाम को डिलीवर ना करने की वो सियासी जमात यही वजह बनाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी देखें कि जो भी सियासी जमात आती है और उनकी हुकूमत रहती है वो आखिर में हीरो बन जाते हैं, वो ज़ीरो हो रहे होते हैं क्योंकि जो वादे करके आए होते हैं किसी भी आज तक अपने गवर्नमेंट में नहीं देखा कि उन्होंने कभी वो वादे पूरे किए हों। लेकिन होता क्या है, जब उनका आखिरी टाइम चल रहा होता है तो वो उनको मतलब ऐसे मसाइल जैसे उनके वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता है और उनको मसाइल का शिकार कर दिया जाता है, तो वो जो उनका ग्राफ गिर चुका होता है, जिस ग्राफ ने उनको मलियामेट कर दिया होता है, जो वादे वो
वो आखिर में वो हीरो बन जाते हैं क्योंकि उनका वजीर आजम भेज दिया जाता है तो अवामी हमदर्दी में फिर वो आ जाते हैं, जैसा कि पीपल्स पार्टी के भी नहीं पूरा किया वजीर आजम ने, मुस्लिम लीग नून वाले वजीर आजम ने भी पूरा किया, हुआ आज फिर नवाज शरीफ सब क्यों आए हैं मजलूम बन के वापस आ गए जी, क्योंकि उनसे ज्यादती हुई थी, बहुत सारे नारे लगाए थे वोट को इज्जत दो ये करो वो करो, और आज फिर वो अच्छा मलिक साहब इस पे बात जो है कंटिन्यू रहेगी। अयाज साहब आप क्या कहते हैं समर के हवाले से कि जिस तरीके से गवर्नमेंट आती है उसको टाइम पूरा नहीं करने दिया जाता? असल बेसिक की बात ये है कि जो भी गवर्नमेंट आए उनको अपना टाइम मुद्दत पीरियड मुकम्मल करना चाहिए, इस दौरान फिर उनको जो भी हुकूमत है फिर वो अपने अच्छे जो आवाम की बेहतरी के लिए जो भी इकदाम करने हैं वो करने चाहिए, और आवाम की बेहतरी के लिए जो भी हुकूमत आती है वो करती है। तो असल में टाइम इसी दौरान उनका टाइम पीरियड के दौरान ही हुकूमत बाज़ अवकात ख़त्म हो जाती है, तो उस हवाले से फिर जो है ना कुछ मसले मसाइल बाकी रह जाते हैं जो आवाम के मसाइल पूरे नहीं हो सकते इस हवाले से। अच्छा जैद मलिक साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो किसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखें रेफरेंस दायर किया गया था, उस रेफरेंस की समाअत की जाएगी और काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस जो हमारे हैं वो इसको यानी हेड करेंगे जो भी पैनल बैठेगा, तो इसकी समाअत बिल्कुल शुरू हो रही है आज, बल्कि बहस इस बात पर हो रही थी कि इसको इन कैमरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हमें भी बाकी हैं, देखना ये पड़ेगा कि इसका जो फैसला हुआ था, जारी बात ये तो पूरी कौम को पता है कि वो गलत फैसला था, गलत दफा जिस दफे के तहत मतलब वो फांसी की सजा हो नहीं सकती थी दफा के तहत दी गई। और फिर दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि अगर फर्ज कर लिया कि अदालत बैठ कर ये फैसला कर लेती है कि वो फैसला गलत था, तो उस फैसले के जो मुहर्रकात थे जो उसमें मुलव्वस थे, अदालत उनके हवाले से क्या मतलब फैसला देगी कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो जो फैसला होगा उसके ऊपर कार्रवाई की भी जाएगी कि नहीं की जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि इसके सामने बहुत सारे चेहरे थे, बहुत सारे लोग थे जो इसमें मुलव्वस थे, आगे बहुत सारी चीजें दिलचस्प होने वाली और देखने वाली होने लगी, ये एक बात है। यानी चले अभी तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, तो इंशाल्लाह इसके लिए भी एक नेक्स्ट जो है प्रोग्राम हम जरूर रखेंगे। पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल के हवाले से आपको क्या नजर आ रहा है? पीटीआई का जो सियासी मुस्तकबिल है ना वो इस वक्त तो आपको पता है पीटीआई शदीद क्राइसिस का शिकार है लीडरशिप के हवाले से, खास तौर पे बानी जो है पीटीआई इमरान खान वगैरह जेल में है, और लेकिन ये है कि जो पार्टी के बाकी लोग हैं जो इस वक्त उनके साथ खड़े हैं वो भरपूर तरीके से जो है पार्टी का जो तशख्स मजरू हो चुका है या जिस दिन क्राइसिस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता भी अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी जो है इलेक्शन कमीशन में भी उसको चैलेंज कर दिया गया है, कोर्ट्स की तरफ भी लेके जाया जा रहा है, यानी कोशिश ये जो इस वक्त सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें कोशिश तो ये की जा रही है कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर किया जाए कोई ना कोई ऐसी चीज़ करके, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता नज़र आ रहा है कि पीटीआई को इतनी आसानी से बाहर कर दीजिए। पीपल्स पार्टी भी अब सबर के साथ चीज़ों को देख कर ये खेल खेल रही है, पहले हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अग्रेसिव में या नासमझी में कर दी हो, लेकिन अब एक मेच्योर पार्टी की तरफ, यानी इतनी जब कोई भी पार्टी मुसीबतें सहती है चीज़ों में आती है मसाइल में आती है तो वो समझदार होना शुरू हो जाती है, तो पता यार किस तरह क्या मसाइल आ रहा है, तो अब लग रहा है कि बहुत सारी समझदारी आना शुरू हो, उनके बयान से भी ऐसा लग रहा है। ऐसा ही है, तो क्या कहते हैं इस सारे सिनेरियो के बाद, अभी भी आप ये चीज़ समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही अगले जो है वजीर आजम होंगे इलेक्शन के बाद? देखिए जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया, हालांकि निगरान गवर्नमेंट थी उनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी बिल्कुल, उसमें जो प्रोटोकॉल था फिर उनके साथ अभी भी जिस तरह वो एक एक करके केसेस से बाहर निकलते जा रहे हैं सिवाय एक रेफरेंस के, उसमें उनको वो है कि मेरिट के ऊपर कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे, बाकी सारे केसेस में उनकी जान छूटी है और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आसानी नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने की, इस वक्त मुस्लिम लीग नून दूसरी पार्टीज को साथ मिला रही है, वो अपने ऊपर एतमाद नहीं कर रही, वो ये नहीं कर रही कि वो आए और उन्हें, हालांकि जिस तरह वो आए थे उन्होंने कहा था बहुत सारे लोग इकट्ठे कर लेंगे और हमारी एक यानी कि हमारी एक फॉलोशिप होगी, वो चीज़ उस तरीके से उन्होंने बयान उस तरह से नज़र नहीं आ रही। छोटी पार्टियों के साथ जो वो इत्तेहाद करते जा रहे हैं, जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया है, मुस्लिम लीग काफ के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया है,
इस सारी चीज को देखते हुए ये समझ आ रहा है कि वो इतने ज्यादा पूरे इत्मीनान नहीं है, उन्हें भी यही लग रहा है कि इन सबको मिलाकर ही हुकूमत बना पाएंगे। अच्छा मलिक साहब, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा देखी है कि कोई भी पार्टी अगर जाती है ना तो उस पर बहुत ज्यादा जो है मुकदमात जो है उस पर आ जाते हैं। इस हवाले से समर को आप क्या देखते हैं? ये एक मतलब आपस की इनकी सियासी जो है लड़ाई, बिल्कुल आपस की सियासी लड़ाई इनकी जो के खत्म नहीं हो रही है और आवाम रुल रही होती भी, उसकी वजह यह कि जब भी कोई बरसर इकतदार आता है वो पिछली पार्टी को आड़े हाथों नहीं लेता। वो हर पार्टी ने यही प्रैक्टिस की, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून के जेर ताब थी, जब मुस्लिम लीग नून आई तो पीपल्स पार्टी जेर ताब चली गई, और जब ये दोनों आए तो पीटीआई जेर ताब चली गई। ठीक है, तो बात करने से मुराद ये कि ये वतीरा तो शुरू से है, ठीक है, तो ये वतीरा इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आ रहा। इसके लिए सियासतदानों को सीरियस होना पड़ेगा, इसके लिए सियासतदानों को मिल बैठ कर अपने जो मसाइल हैं उनको हल करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में एक और भी मसला है कि लोग ये समझते हैं कि उनकी सियासत तब भी उठेगी जब दूसरा नीचे जाएगा, तो ये एक इक्तदार की कश्मकश होती है, एक ताकत की कश्मकश होती है। हर पार्टी आने वाली कोशिश करती है वो सामने वाली सारी पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दे, तबाह कर दे, ताकि उनका अपोनेंट ही ना रहे। लेकिन जब वो इस चीज में कामयाब होता नजर आ रहा था तो एक और बड़ा अपोनेंट आके खड़ा हो जाता है उनके सामने, जिससे पहले उम्मीद ही नहीं की जा रही होती, और वो उसको भी तहस नहस कर देता, और आज तक यही प्रैक्टिस चलती जा रही है और चलती भी है। इस प्रैक्टिस को देखते हुए आप ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में इन फ्यूचर कभी कोई बेहतरी आ सकती है? हमारे मुल्क में देखें इन फ्यूचर, एक सेकंड रुक जाएं, हमें जो है ना एक, हमें जो एक बेहतरी के बारे में हम बात करते हैं कि हमें बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती, उम्मीद तो हम रख सकते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उम्मीद ही खत्म कर लें कि बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये कहें कि उस बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा है तो उसका जवाब नफी में है। हम फ्यूचर में हो सकता है कि कोई अच्छे लोग आ जाएं, कुछ उनके दिमाग में पाकिस्तान या इज्तमाही तरक्की के लिए कुछ सोच पाए, क्योंकि आज तक हमारी मुल्क का सबसे बड़ा नियम ये कि हर आने वाले लीडर ने इनफरादी तरक्की के लिए कोशिश की, कभी किसी ने इज्तमाही तरक्की की कोशिश नहीं की। जब तक ये सोच नहीं पनपेगी कि हमने इज्तमाही तरक्की करनी, तब तक बेहतरी आना हमें नजर नहीं आता। मलिक साहब, शोर है इलेक्शन 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 काफी टाइम से, अब इलेक्शन होने वाले हैं बहुत जल्द, क्या कहते हैं, शफाफ इलेक्शन होंगे या इस बार भी कुछ? शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना मुमकिन नहीं है। हमने जो कि मैंने रिपोर्टिंग भी की है, मैंने इलेक्शंस को बड़े नज़दीक से देखा है, इलेक्शन कवर किए हैं, हर जगह पे मसाइल होते हैं, 100% कभी भी इलेक्शन शफाफ नहीं होते। जो पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस हवाले से खड़ा किया गया या जो सिस्टम बनाया गया इलेक्शन के हवाले से, उसमें बहुत सारे इबहामात हमेशा होते रहे हैं और होते रहेंगे। इसमें मैंने बताया जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक बेहतरी नहीं आ सकती, शफाफ इलेक्शन मेरे नज़दीक मुमकिन नहीं है। यानी कि सबसे पहले सोच को बदलना चाहिए। जारी बात है, सोच बदलेगी तो अमल भी होगा। और अमल क्या बात, कमाल बात कर दी आपने। अयाज साहब, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे मुल्क की सूरत हाल को देख कर और इलेक्शन के हवाले से, कि क्या इस बार शफाफ इलेक्शन करवाने में जो है जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे शफाफ इलेक्शन होंगे, और आवाम की जो पुरजोश है इसी वजह से, और आवाम भी चाहती है कि शफाफ इलेक्शन हो और उसमें भरपूर हम हिस्सा लें और बढ़ चढ़ कर, और अच्छी जो भी हुकूमत सेलेक्ट हो अच्छी आए और मुल्क और आवाम के लिए बेहतरी। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़िम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपने दुआओं में याद रखिएगा।